पश्चिम बंगाल में किसानों के मन से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की गई। आज किसान नेताओं के बंगाल दौरे का दूसरा और आखिरी दिन होगा। किसानों की लड़ाई बंगाल चुनाव तक आई। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत ठप पड़ी है, लेकिन अब किसान नेताओं ने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने का प्लान बनाया है और इसके लिए किसान नेता बंगाल की चुनावी रणभूमि में पहुंच गए हैं। कल बंगाल में किसानों ने एक नहीं दो दो महापंचायत की, पहली कोलकाता में और दूसरी नंदीग्राम में। किसानों के मन से बार बार अपील की गई कि बीजेपी को वोट ना दें, चाहे किसी को भी दे दें। बड़े किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने तो यहां तक कह दिया कि देश ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी नहीं रखी। जिसको जी चाहे वोट दे दो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे दो, मोदी को वोट ना दे दो। मोदी देश के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें किसी देश से कोई खतरा नहीं, खतरा है इस देश को तो मोदी से खतरा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन को नई गति देने वाले राकेश टिकैत ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में बीजेपी को वोट ना देने की अपील कर डाली। साथ ही आगे का प्लान भी बता दिया, वो प्लान जिसमें उनका लक्ष्य लोकतंत्र के मंदिर संसद का घेराव है। हमारी लड़ाई हो रही है, वो बात नहीं माननी, उनके लिए प्रचार करेंगे कि बीजेपी को वोट दो। हम तो मैंने करेंगे कि उन्हें वोट मत देना। हम ठग लिए, पूरा देश उन्होंने ठग लिया। हमें पता चला कि सरकार यहाँ पर आ रही, दिल्ली सरकार, तो उसको ढूंढने आई, यहाँ मिली नहीं। अगर कहीं मिले तो मामे बट दे दियो सो कहाँ है। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहाँ पूरा MSP पे भाव बिकेगा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। कान खोल के दिल्ली सुन ले, जब भी अरे और ट्रैक्टर को रोकता था कोई दिल्ली में जाने से ट्रैक्टर कौन रोकेगा? जा गया दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। राकेश टिकैत ने तो ममता बनर्जी की चोट पर भी अपनी राय रखी और यहाँ भी उनके कटघरे में केंद्र की सत्ता में विराजमान बीजेपी ही थी। चोट मार दी, अकेली महिला थी, लड़ाई लड़ रही थी, चोट मार दी उसके भी। वैसे भले ही बीजेपी को वोट ना देने की अपील करने वाले किसान नेता खुद को गैर राजनीतिक बताते हों, लेकिन उनके मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है। CPI के नेता अतुल अंजान ने भी जमकर बीजेपी पर हमला बोला। बंगाल को इसलिए फोकस करके रख रहे हैं कि गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया तो ये भी है, बंगाल की खाड़ी भी है। और जब ये कह रहे हैं कि बंगाल एक संयुक्त रूप से कॉम्पोजिट कल्चर का राज्य है, ये आभा और ये प्रतिभा, ये आरोह और अवरोह, ये अलाप और तान कहाँ मिलेगी? इसलिए यहीं आए हैं कि भाजपा को पराजित करो। बीजेपी के नेताओं ने भी आंदोलनकारी किसानों की अपील पर पलटवार किया है। क्यों टिकैत जा रहा है, क्यों टिकैत नहीं? और कुछ नेता जो किसान नेता लगता है कि हम लोग कुछ गलत किया है तो उनको ले ले टिकट, दीदी ले दे दे कुछ दो चार टिकट और उनको कॉन्टेस्ट करवा ले, MLA बैठ जाए विधानसभा में, उसके बाद फिर बात करेंगे। वैसे किसान नेताओं के बंगाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे सिंगूर में महापंचायत होगी, जबकि शाम 4 बजे आसनसोल में महापंचायत का कार्यक्रम है। अब देखना है कि ये किसान नेताओं की अपील का कितना असर बीजेपी की उम्मीदों पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर किसान नेता उत्तर भारत के हैं और उनकी बातों से बंगाल के वोटर्स कितना कनेक्ट करते हैं ये देखने वाली बात है। ABP News आपको रखे आगे।